फाइनली काफी देर बाद हमारे अभी जी एक्टिव हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इनको बेटर फील हो रहा है तो आज जा रहे हैं हम लोग थोड़ा बाहर। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू दैट न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो कल वाले व्लॉग में आपने देखा कि मेरा तो पॉपट हो गया बड़ा गंदा वाला। लाया आपने लिए आइसक्रीम था लेकिन उसकी जगह मुझे चाय मिल गई। बड़ा गलत हुआ मेरे साथ। जिसने व्लॉग नहीं देखा था तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो जरूर व्लॉग देखना। काफ़ी अच्छा व्लॉग था, इंटरेस्टिंग व्लॉग था। तो अभी का सीन ये है कि आज है जन्माष्टमी, तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। बट आप लोग ये कल देख रहे हो, मतलब ट्यूसडे को व्लॉग देख रहे हो तो जन्माष्टमी तो एक दिन पहले निकल गई, बट तब भी हैप्पी जन्माष्टमी सबको। तो जिस जिसने कृष्ण जी की पूजा की होगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी का दिन देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। अभी तक कुछ प्लान है नहीं मेरा। बाहर गर्मी भी है, काइट्स उड़ाने का मन भी कर रहा है लेकिन गर्मी को देख के कुछ फील नहीं आ रही कि काइट्स उड़ाने लिए जाऊं मैं। जन्माष्टमी का दिन तो आज हमारे घर पे मैक्सिमम जो है वो आलू की डिशेज बनेंगी, है ना? हम आलू की डिशेज बनेंगी ना। सुबह सुबह तो हमने खाई आलू वाली परोठी, अब हमें मिलेंगे आलू के वो चिल्ले होते हैं ना, टिकड़ियाँ कहते हैं जिसको, वो खाएंगे हम दही वाले आलू के साथ। और शाम को हमें मिलेंगे आलू वाले पकौड़े। सिर्फ आलू चलेगा आज? नहीं मिलेंगे पकौड़े? थोड़े से तो मिल ही जाएंगे, इतने से खाना तो आया, लेकिन आइसक्रीम भी खानी मैंने अभी यार। अभी फिर मैं जाऊंगा थोड़ा बाजार, क्योंकि थोड़ा सा माल लाना है कुछ। और यार मुझे बताना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना टिंडी करा लेता हूँ पूरी। मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, इतने करली करली बाल होते हैं। सुबह नहा के जब सेट करो ना एकदम फिट, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, बट उसके बाद इतना बुरा हाल हो, मैं बड़ा दुखी होंगे अपने बालों से। टिंड करा दी मैंने यार, गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो गाइस ये भी आ चुका है हमारा लंच। तो जैसे मैंने बताया था आज जन्माष्टमी खुशी में आलू ही आलू मिलेंगे। 5 hours later भी बच चुके हैं शाम के 7 और हमारी दुकान की क्लोजिंग हो गई है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि हमने खाना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाने की, समझ ही नहीं आ रहा। चांप कहाँ मिलती है? चांप एक तो चांप महंगी पड़ी होती है, मन नहीं करता खाने का से, और पेट भी नहीं भरता। क्वांटिटी इतनी सी, पैसे इतने ज़्यादा वाले, पेट नहीं भरता उससे। हम लोग सोचते हैं कि क्या खाना, तब तक आप लोग ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। फाइनली हम लोगों का डिसाइड हो चुका है, मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ ना कुछ खाने। पता नहीं क्या खाऊंगा लेकिन निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे आज। क्यों जी? पक्का? पापा कह रहे हैं पक्का। तो सबसे बड़ी बात तो आज की है, पापा के पास एक कस्टमर आए थे उस दुकान पर, तो वो भी कह रहे थे कि कहीं देखा हुआ है और वो व्लॉग देखते हैं हमारा। देखा, कस्टमर प्लस सब्सक्राइबर, डबल फायदा। गाइस फाइनली काफी देर बाद हमारे अभी जी एक्टिव हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इनको बेटर फील हो रहा है तो आज जा रहे हैं हम लोग थोड़ा बाहर। यहाँ पर ब्रेक मारी, आज स्ट्रीट फूड खाने का मन था। भैया तो खाएगा कुछ नहीं लेकिन मैं ही थोड़ा सा खा लूंगा। भैया को हम लाए हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए। चाम कौन कौन सी है? तंदूरी है, मलाई है, वानी है, चारी है। हमने फाइनली ऑर्डर किया तंदूरी मलाई चाम। भैया तो खाएंगे नहीं, मैं ही खाऊंगा। भैया को दिखा के खाऊंगा मैं। भैया को सिर्फ बाहर इसलिए लाए हैं कि थोड़ा सा मुंह ठीक करो अपना, थोड़ा दम में आओ, इसलिए हम भैया को लाए हैं। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगाता है लाने में वो। आई होप ज़्यादा ना लगाए, बट मुझे ये पता है कि तंदूरी चाप से पेट नहीं भरेगा, क्वांटिटी कम होती है ना इन लोगों की। तो ये आई है हमारे इससे, ये हमारी है तंदूरी मलाई चाप। तंदूर तो पता नहीं कहाँ पर है लेकिन मलाई मलाई ज़्यादा है इसमें। देखते हैं, टेस्ट करते हैं अब। तो गाइस चाप खा के तो अपना हो गया, अब अच्छी थी चाप, नॉर्मल सी क्वांटिटी थी। भैया ने एक पीस टेस्ट किया, कैसी लगी आपको? बेस्ट, भैया कह रहे अच्छी लग रही है। भैया कह रहा है मेरा फेस अभी रिवील नहीं होगा, भैया का फेस आपको नेक्स्ट व्लॉग से रेगुलर पता चलेगा। अब मेरा पीछे होने का टाइम हो गया, मैंने संभालना, चैनल जितना संभाल लिया, बेइज्जती कराई आप लोगों ने मेरी। व्यू नहीं देते आप लोग यार। कोई नहीं, देखते हैं, मिलूंगा आपसे मैं अपने चैनल पर किस दिन, देखते हैं आपको वहाँ मिलूंगा। तो अब बस निकलते हैं कहीं और, कुछ और खाते हैं। अब पर पहुँच चुके हैं गोल मार्केट में, और यहाँ पर तो सब कुछ बंद बंद ही लग रहा है यार, कुछ खुला ही नहीं है यहाँ पर।
अभी आगे हम लोग यहाँ पर कंट्री बार में, किसी टाइम पे हमारा ये सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट हुआ करता था, बट यहाँ पर क्योंकि स्मोकी जो वुड फायर पिज्जा है वो बड़े खतरनाक वाले मिलते हैं, और जो कुछ कुछ हमारे नॉन में होंगे वो काफ़ी इससे वाकिफ होंगे कि हम लोग यहाँ पर आते थे, अच्छा लगता था। ये यहाँ पर इनकी वुड फायर्ड पिज्जाज बनते हैं, इससे अच्छा लगता है। गाइज फाइनली अब पिज़्ज़ा खा के हो गए हम फ्री, पूरा पिज़्ज़ा मैंने खाया, भैया को मैंने छोटा सा पीस दिया कि चलो कुछ तो खा लो, तो पूरा पिज़्ज़ा मैक्सिमम तो मैंने ही खाया, मज़ा आ गया यार। काफ़ी देर बाद आया यहाँ कंट्री बार में, तो अब बस निकलेंगे सीधा घर को यार, थक गया खा के। This is all you need, be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it real, more than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Guys, finally reached home. गाड़ी अब हम यहीं पर लगा देंगे आज घर के बाहर ही, क्योंकि सुबह मुझे और भैया को कहीं निकलना है, तो सुबह हम लोग जल्दी निकलेंगे। सुबह निकलना है मैंने और भैया ने, लाइट आ रही है, हाँ मैं दिख रहा हूँ, सुबह भैया और मैंने निकलना है 7 बजे सुबह। घर पर आ गए, घर पे एंट्री मार ली, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर पे आए तो मम्मी के लिए कुछ ना लाए, तो मम्मी के लिए लाया मम्मी की फेवरेट चीज चाउमीन। मम्मी यार चाउमीन खाते हो यार, कौन सी ऐसी बुढ़ी माँ होती है चाउमीन खाती है, टेस्टी टेस्टी चाउमीन पसंद आए उनको, थोड़े से ट्राई कर लेता हूँ मैं भी। तो अभी टाइम हो गया अपने सोने का नहीं, वैसे एडिटिंग करनी है अभी मुझे, तो अभी पहले एडिटिंग करनी है। खाना तो मैंने खाया नहीं, बिल्कुल भूख नहीं थी, पेट पूरा फुल हो चुका था आज, खाना मैंने बिल्कुल नहीं खाया, तो अब बस सोएंगे, उससे पहले एडिटिंग करेंगे, अपलोड करूँगा। आज एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि छोटे छोटे कुछ शॉर्ट्स हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो आपको पता ही क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं जल्दी इस गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।